सो व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल है? मैं नहीं कर रहा, मेरे को परफॉर्मेंस एंजाइटी हो गई। प्रशांत अपना कैमरा स्टार्ट कर। सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज माय टेक 2। आज हमारा वर्कआउट होने वाला है चेस्ट एंड साइडल्स, एंड मेरा जिम पार्टनर भी आ गया है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। भाई ऐसा मत करना मेरे से। अबे तो ऐसे ही कैजुअल होगा ना? तो कैजुअल ही होता है। जिस बंदे की वजह से मैंने जिम करना स्टार्ट किया मैंने यूट्यूब करना स्टार्ट किया, मैंने सुबह वर्कआउट करना स्टार्ट किया, दिस माय बॉय हर्ष। वेस्ट ही करवाया था हर जगह यार। So, are you excited for today's workout, bro? Very much. And audio का भी देख लेना, क्योंकि last time मुझे बहुत comments आए थे। अभी हमने प्रशांत और मैंने देखा है कि audio का थोड़ा better है। इसमें देखना भी पड़ेगा ना mic का कि ये on है या नहीं on है। इसमें आ गए दो transfer। आ गया? दो बार जा गए। वैसे तेरे को introduce करूँ मैं? Are you okay? मैं कैमरा शाय हूँ। तू कैमरा शाय है? जब प्रशांत थोड़ा कंफर्टेबल होगा तो उसको भी करेंगे, बट लास्ट टाइम बहुत कमेंट्स आ रहे थे। तेरे को भी क्वालिटी अच्छी लगी थी ना? हाँ, बढ़िया था। तो एक लाइक प्रशांत ओपी कर दो, एंड अगर कम से कम 15-20 प्रशांत ओपी आएगा तो प्रशांत कैमियो देगा, अपना कैमियो देगा। वैसे इतना टाइम लग गया हमें थोड़ा सेटअप वेटअप करने में, प्री वगैरह बना के फटाफट जिम निकलते हैं। तुम्हें पता ही है क्योंकि मेरे जिम का सीन हमेशा बंद हो जाता है। अपना हर्ष भाई सिपर दे दे। अब हर्ष को फ्रेंकली ये वोडू ब्लैक पसंद है, मुझे भी ठीक लगा ये, पर ऑनेस्टली जब मैं BCAA प्रो को मिस करता हूँ तो वो अपना फ्रूट फ्यूरी के साथ ज्यादा बेटर टेस्ट करता है। तो इसका मैं नॉर्मल वोडू में बनाऊंगा। तुमने लास्ट टाइम देख लिया वैसे तो कि मैं कैसे बनाता हूँ, तो वैसे ही रहने वाला है। 1 scoop ऑफ प्री एंड 1 scoop ऑफ दिस। एक मैं सिपर लाता हूँ प्रशांत का, ये बनाते हैं फुल और हाफ स्कूप। हाफ करूँ? पहली बार ट्राई करेगा। चलो हाफ ही कर लेता हूँ। पहले चले वर्कआउट के बीच प्रशांत का बिल्कुल ऐसा हो रहा हूँ। एंड इसमें एक और चीज़ है, पिंच ऑफ सॉल्ट। मैं वही बोलने आ रहा था। और फर्क पड़ता है सही में। सुप्री है हमारे रेडी, एंड अब फटाफट चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा जिम में बात करेंगे। चलो मजा आने वाला है तेरे को, मैं उससे करूंगा HIIT ट्रेनिंग वर्कआउट्स इंट्रोड्यूस। तूने देखा था ना वो डोरी नेट्स वाला सीन है। वरना तू क्या करता है, सब में एक ही वेट रखता है या धीरे धीरे करके बढ़ाता है? सब में मतलब धीरे धीरे बढ़ाता है। अब मेरा क्या है कि अपन मारेंगे 2-3 वार्म सेट और फिर करेंगे 1-2 वर्किंग सेट। बल्कि मैं सोच रहा हूँ हल्का एक ना, कई बार मैं होल्ड बैक करता हूँ, मतलब उतना पुश नहीं करता कि सपोर्ट के लिए कोई होता नहीं, बट आज सोच रहा हूँ मैं भी थोड़ा, समझ रहा है, बॉल्स इन। ठीक है भाई। सुबह सुबह वो बना रहा था अपना, केला कुला खा रहा था। ब्लॉग तो बन रहा है बाई चांस, पर मैं सोच रहा था गाड़ी में क्या गाना होता ना कि प्री वर्कआउट सॉन्ग, तो क्या होगा, तो मैं एक लगाऊंगा, पर तू गैस करके वो क्या हो सकता है। अच्छा इंडिया ना क्या है यार, इतना दूंगा तो हर्ष भाई तो समझ ही जाएगा। हर्ष और मेरा मतलब म्यूजिक चॉइस काफी वो है कि हम लोग ASAP रॉकी से फिर से उठ चला भी जा सकते हैं, पता भी नहीं चलेगा। प्रतीक वर्ड भी जा सकते हैं। प्रतीक वर्ड ये जाता है मेरा उत्साह नहीं होता, मेरा पहले होता था। नहीं अनुजन, मतलब अपना थोड़ा बहुत ही ओवर द टॉप इधर उधर का है, मतलब कभी हम फिर से उठ चला भी सुन सकते हैं और फिर 101 अपना सीधे मौत भी सुन सकते हैं। हमारी वाइड रेंज में से तुझे क्या लगता है, अगर मैं हमारा कोई प्री वर्कआउट गाना हो तो क्या हो सकता है? बड़ा ही प्रेशर में डाल दो भाई, तेरे को पता है प्रेशर ही पसंद है भाई। दिखता नहीं रहा प्रशांत इसको भाई, देखे हॉलीवुड ब्लीडिंग तो नहीं लगा रहा? अरे यार नहीं यार, ये हॉलीवुड। ओ भाई जिसको ये हिस्ट्री चाहिए इंक्लूडिंग प्रशांत, हमारा वो कॉलेज व्लॉग देखियो। मतलब हम कॉलेज वाले टाइम हसल वसल के पुराने गाने सुनते थे, तो उसमें ये गाना बहुत था, ए जानी बाय किंग रॉको, उस टाइम किंग रॉको, सॉरी। तो यार वैसे झूठ बोलूंगा, बनाना खाते नहीं, हकते हुए याद आया, हर्ष और मैं सुनते थे पहले तो बहुत कॉलेज वॉलेज में, घूमते घूमते सुनते रहते थे, पर अब मिलते हैं तो तब ये वाले सुनते नहीं हम, थोड़े ये पोस्ट मेलोन टाइप या इस टाइप वाइब में ही चल चले जाते हैं। बट या इट वाज अ गुड नॉस्टैल्जिक टाइम। मैंने ओपन आईएमआर भी देखी, वैसे देख ली ना, स्टोरी तो डाली हुई थी। मतलब मैं बोलूंगा भाई फॉर दिस गाय, भाई जेनरली मैं गया सिर्फ उसके लिए, किलियन के लिए था, क्योंकि भाई थोड़ा कुछ ज्यादा ही साइंस फेल दिया यार इतना। तूने देख ली? हाँ, रॉबर्ट डाउनी की भी एक्टिंग ठीक है भाई, मजाक नहीं। पर मैं बोलूंगा हर्ष भाई कुछ ज्यादा ही, जैसे इंटरस्टेलर में ना फिर भी थोड़ा साइंस वो था, स्पेस वगैरह था ना, तो इंटरेस्ट आ गया था, पर भाई इसमें तो कुछ ज्यादा ही मॉलिक्यूल्स ये वो एक्टिंग कुछ कर रहे थे। ओ नाइस ब्रो, ऐसे ऐसे ताली बजा, मैंने इनको घंटा समझ नहीं आ रहा यार मैं भी एक्टिंग कर रहा था कि गुड जॉब पर यार। सो आ गए हम जिम। ओए सही में कोई याद नहीं था कि सॉन्ग ऑफ द डे वाला, मैं भूल गया था। सॉन्ग ऑफ द डे बताता हूँ मैं जिम से पहले। अच्छा बताओ, आज हर्ष बताएगा सॉन्ग ऑफ द डे। तो क्या मेरा पर, मेरी पसंद का गाना जो तेरे को लगता है कि हाइप करता है, और अपने उससे जो तेरे परसोना को, ऐसा भी नहीं कि भाई बंदों को अच्छा लगेगा, तेरा क्या परसोना है कि भाई मुझे तो ये समझ आता है, पुराने भी बता सकता है कोई बॉलीवुड या हनी सिंह? नहीं नहीं हनी सिंह टाइप नहीं। एक जो गाना मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है और जो मैं अपनी PR वगैरह हिट करते टाइम पे बहुत सुनता हूँ, ब्लैक स्किन हिट बाय कान्ये वेस्ट। कान्ये वेस्ट वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग। एक मैं बताऊं, तो मैंने शायद बताया हुआ, हम ना पुराने पुराने बॉलीवुड गाने ऐसी रैंडमली भेज देते हैं, तो उसमें से मैंने रिसेंटली इसको भी भेजा था, पंप इट अप, ये चांस पे डांस मूवी का है। मूवी वैसे सही थी यार, चांस पे डांस है, बड़ी बच्चों ने अच्छी लगती थी, बात तो सही है। तो आज के सॉन्ग ऑफ द डे है ब्लैक स्किन हेड एंड कान्ये वेस्ट एंड पंप इट अप चांस पे डांस। बेसिक जॉइंट्स को कर लिया,
बेसिक, अरे क्या म्यूजिक सुन रहा, बाद में सुन लिया, म्यूजिक सुनना है तो यहाँ पे बेसिक जॉइंट्स को कर लो, उसके बाद हम वो सेट तो कर लिया, इसके भी लेंगे फिर वॉर्म सेट्स। हाँ हाँ आधे घंटे से वार्म अप ही कर रहा है, इसको बता दो कोई कि 12 बजे हमारा जिम बंद हो जाता है, इसको बोलो फटाफट करे। तो यूजुअली क्या करता है अपने पुश में भाई? अभी तो इंक्लाइन वहाँ पे कर नहीं पा रहा हूँ, तो डंबल प्रेस। अच्छा तू सीधा तब करेगा? कम से कम महीने बाद। ये जिस गुड़गांव वाले में शिफ्ट हुआ उसमें स्मिथ है नहीं, या है पर? स्मिथ है पर यूज नहीं कर सकते, उसके नीचे प्लेटफॉर्म है। तो एंगल क्या रखता था? 30% 30 एंगल। मैं भी यूजुअली 30 रखता हूँ। इसका बस होता है पहले 5-6 मिनट इसमें लगते हैं ना, हाँ एक एक्यूरेसी बैठाने में। चलो गुड, इसने फाइनली हेडफोन तो रखे अपने। वो सोचो हेडफोन लगा के क्या सुन रहा है ये भाई? आदत है ना मेरे को अकेले वर्कआउट करने की। आगे पीछे करना तो बता दियो। सबसे बेकार चीज़ यही है, सच बेकार क्या, थोड़ा तो यार वो तो है ही, उसके बाद मज़ा भी तो आता है। हाँ बेटर है, सही है। इसलिए मतलब 2-3 पाँव अपना वेट देख ले। तो अपना टॉप सेट कौन सा मारता है, नोट किया हुआ है? गुड, मतलब 1-2 अपने हो गए वार्म अप, उसके बाद 2 टॉप करेंगे। अब मैं यूजुअली क्या करता हूँ देख, ये 20 करा, उसके बाद 40, फिर 2-60 से वार्म अप वो करता हूँ। मेन वर्किंग सेट मेन। और रेप रेंज क्या रहती है तेरी? टॉप में वार्म अप में? टॉप में, टॉप में 10। और वार्म अप में क्या है? 3-4 वार्म अप। तो बस उसके लिए होता है कि बिना तेरी एनर्जी वेस्ट करे, तेरे को फील हो रहा है कि अब मैं ये करने वाला हूँ परफॉर्म। आराम से कर थोड़ा, हाँ स्लो, बस फील कराने, देखो वो नहीं करना एग्जॉस्ट। क्या 40 करूँ या 30-40? थोड़ा वेट ज्यादा है तो इसके मैं 2 ही मारूंगा। अच्छा 2 ही? हाँ, मतलब इसमें इस तरह ये होता है कि जब तू हैवी मारे ना तो तुमको एकदम से ना लगेगी, एकदम से तेरा वो नर्वस सिस्टम वो हो जाए, क्या कहते हैं उसको, रिपेयर हो जाए, रिपेयर हो जाए। 1-2 वॉर्म हो गए। हाँ ठीक है, बढ़ा लेते हैं। क्या टॉप किससे मारेगा? मैं बोलूंगा 50 तेरा सेफ पॉइंट है, जो सही लगे करते हैं। मैं 60 कर रहा हूँ। चल पहले ये 60 पे देख लेता हूँ, अगर लग जाता है ठीक है, वरना देख लेंगे आ रहा है। तू मतलब ये भी कर सकता है, टॉप मारा और अगर लगा कि इसमें 8-9 निकले तो नेक्स्ट में थोड़ा कम करके 10 मारे। जो तेरे मेन 2 वर्किंग सेट हैं, हाँ। अगर सपोजली तूने इस पे 30 पे मार दिया, अगर नेक्स्ट तेरे को लगता है तो इससे आगे जा सकता है, हाँ। तो बढ़ाता है या सेम वेट रखता है? सेम ही रखता हूँ, तभी तो यहाँ तेरे वार्म सेट हेल्प करते हैं। कभी का मुझे 40 ना हैवी फील होता है तो मैं उस दिन 65 निकलता 60 करता हूँ, कभी का लाइट फील होता है तो मेरे को लगता है आज तू PR मार सकता है। मतलब वार्म सेट के हैं 2-3 फायदे हैं यार, काफ़ी फायदे हैं। अब पिक करवा दे एक बार पीछे से, यहाँ से, यहाँ से भाई, इतना पतला नहीं हो तो वहाँ से आ जाएगा अंदर। स्टार्ट। ट्राई करना कर सकता है, बट 50 बोलूंगा अभी सेव कर। चल देखते हैं, अगर आगे तो ठीक है, इसमें नहीं हुआ तो अगले में करेंगे। उसमें फील में जाइयो, नहीं होगा तो तुरंत बता दियो। इसको थोड़ा ऊपर करवा दो, ईगो लिफ्टिंग ही मुझे बता दियो जो। हाँ हाँ छोड़ दे अबे, स्मिथ पे नहीं हो रहा वैसे, बहुत टाइम बाद हुआ है। 50 कर 50। इसका ये जो बैलेंस होता है ना, ये सारी स्मिथ वो नहीं है। हां नहीं, मैं एग्री कर रहा हूं। ये ले, लेट्स ट्राई अगेन। नहीं हो जाएगा, क्योंकि जैसे तो 40 किया था ना, मैं लगा था कि 50 दे ले, सही है, स्वीट स्पॉट है। अब ट्राई करने 8-10 क्लीन रेप्स बस। ठीक फील कर रहा है? बहुत बढ़िया, फॉर्म सेक्सी है। 5-6 आराम से, बढ़िया। 7-8-9 तू ही निकालेगा, 10-10 निकल जाएगा।
ये था परफेक्ट ऑफसेट, तूने 10 क्लीन 10 मारे, अब अगर तू दे वो करता प्रोग्रेसिव वो लोड तो तू ये तीसरे में मारता और तब तुझे हैवी लगता है। नेक्स्ट सेम ही ट्राइगर डोमिनेट है भाई, है क्या फर्क तो है इसमें कि तुरंत ना मतलब तू नेक्स्ट और कॉन्फिडेंट होके मारेगा और तेरा गोल रहना चाहिए अब नेक्स्ट में 10 रैप ही निकाले। ये निकाल लेता हूँ थोड़ा, चल स्टार्ट छोड़ दे। तेरे पे चॉइस सकता हूँ, केबल फ्लाई कर सकते हैं, डंबल फ्लाई के दो सेट, दो केबल फ्लाई के सेट, दो डंबल फ्लाई, दो केबल फ्लाई। और एक प्रेसिंग मूवमेंट रिकॉर्ड करना चाहता है? नहीं नहीं अभी माइक भी घूम गया था, ये हर्ष है ना ये, इसकी बात में लग के हो गया, पर सही में भाई फट गई थी जल्दी। चल पकड़ ले कोई भी बेंच, मैं पानी वानी देता हूँ। तो इसमें वैसे मैक्स कितना आ गया है? 20 के जी। इसमें बस वो ले ले कि तेरा स्ट्रेच मिल जाए, इसमें वेट मत देखियो वार्म अप वाला। 25 से करता हूँ मैं तो, 25 LB। हाँ मैं पाउंड करता हूँ, मेरा जो टॉप होता है ना वो 50 होता है। तो के जी में कितना हो गया? 23 अराउंड। मतलब इससे मैं 6 से 8 बोलूंगा वो 12 से 15 दो टॉप। के जी में कितना है? अब कर ले कैलकुलेट यार, मैं तो पाउंड्स की आदत है। मैक्स तो 20 किलो गया ना, 20 पाउंड से वो मार लो बॉम। तो वैसे पसंद है ये वाली एक्सरसाइज बहुत? ऑब्वियसली लव ऑफ माय लाइफ, लव ऑफ माय लाइफ, ओनली वन एक्सरसाइज फॉर दिस आई विल डू दिस। लाल हो गया भाई, बस सही है फॉर्म तूने बहुत सही मारी है। अगर कोई फ्लैट डंबल प्रेस फॉर्म अच्छा मारता तो मैं तो खुश रहता हूँ। मैं समझ गया वो तो, जो ऐसे होता है। हाँ, उसने ही मेरे को बोला था, बोलता कॉन्ट्रैक्ट तेरे यहीं पे हो गया है, इसको आगे ले जाने में कोई मतलब नहीं। अच्छा उसने बोला था? हाँ, दूसरा है मेरे हाथ से एक इंसान अच्छा वाला। हाँ। इसका मैं एक बार जिम गया था, ये ले तेरा माइक में आया नहीं, कितना न्यू हो गया। पर इसके बाद मैं जिम गया था, अब पता नहीं इसका ट्रेनर का क्या ऐसा था। भाई सुन, वो टिपिकल ट्रेनर था, मैं नाम नहीं लूंगा, पर ही इज द गाय, जो भी था भाई इज द गाय। मैं तो भाई तुम्हें पता है नोट पैड करने वाला हूँ, प्रॉपर प्रोग्रेसिव ओवरलोड वाला आया, 5 सेट से लगा लो, 6 सेट से लगा लो। मैंने कहा हर्ष क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, वेट कम कर लो फिर बढ़ा दो मतलब। और ये बिल्कुल ऐसे सर जो कह रहे हैं भाई करना पड़ेगा, पता नहीं इसको क्या ऑब्लिगेशन थी, मतलब वो बहुत इतना टट्टी वर्कआउट एक्सपीरियंस था, अब ये रियल वर्कआउट हो रहा है भाई। तू मेरे को फोटो दे दियो बस, तेरी वीडियो भी बनाएंगे प्रॉपर। थ्री 4 5 6 11 12 13 10 के बाद फट जाती है। इवन स्माइल 40 17 चल 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 आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया 100 आ रहा था तेरे को हेल्प करवाने के लिए। True RP 10 भाई, ये आरपी वाला सीन क्या है भाई? आरपी पता है एक क्या हुआ था अभी लास्ट जिम में, एक लड़का था बोलता भाई मैंने ना RP 5 पे इतने रैप निकाल दिए। क्या है क्या ये आरपी भाई, एक नए नए टर्म। मैं तो इसलिए बोलता हूँ ये आरपी वाला कि 10 मतलब गॉगिंस बोर्ड, अच्छा अपना पीक टच कर गए, और जब कहीं का लगता है ना कि बिल्कुल मौत हो गई तो मैं दिखाऊंगा, मैं नोट्स में लिखता हूँ गॉगिंस मोड,
गॉगिंस मतलब ही बिल्कुल। मैंने ना अपना एक वो बना रखा है जैसे नोट्स में स्किनी बिच करके, के अंदर सारी पीआरस है। ये भी ऐसे बढ़िया है। हाँ। ये अपने को ये ना अपना एक थोड़ा सा एक होता है, अपने ही वर्ल्ड में खेल रहे हो आप। मेरे को तो नोट्स ही सही लगता है, मेरे को उसकी आदत है। वैसे पंप भाई बहुत प्यारा पंप है। अब जो हल्का सा भी 2-3% बचा है वो स्नो हो जाए पूरा। क्या कर रहा है तू? स्लाइस कर रहे, इसमें भी एक ही वार्म अप सेट मारेंगे। वैसे मैं अभी रिसेंटली मैं भी इसको करने लग गया हूं। दिस इज आल्सो नाइस। मेरी पोजीशन बहुत अलग रहती है इसमें ना, सबकी 19-20 रहती है लाइक बेसिकली। मैं बोलूंगा सब अलाओ इसमें, बस लोअर पैक्स आने चाहिए और क्या कंट्रैक्शन होना है। फील में आ गया। सही है। चार है इधर भी। यहाँ तक वो लगाना पड़ेगा जुगाड़। मैं 3 साल से जिम में आ रहा हूँ, 3-3.5 साल, और ये अभी तक ये 2 प्लेट्स में एक वो नहीं लगा। क्या कहेंगे इसको? लॉक कह लो, जो कह लो, जुगाड़। लिटरली 3 साल से चेंज नहीं हुआ। थोड़े पुश तू भी बता। ये ले भाई, मैं इसको सीबम पोस कहता हूँ। ठीक है भाई, मेरे भी शोल्डर आ जाएंगे तो जाए थोड़े टाइम। मैं तो ये पोस भी ट्राई कर रहा हूँ आज के लिए। ये ना लैट खुलते नहीं है ऐसे ढंग से। ये खोल तो भाई, भाई ये ऐसे खोलना ऐसे। फिर 5 बजे मैं उठ जाता हूँ। बड़ा फक्ड अप सा है वाला स्लीप वाला तुम्हारा। मैंने पहले सही बताऊँ, मैं 6-7 बजे का ट्राई किया था सुबह उठने का, फिर लगा मैं क्यों उठ रहा हूँ जब मैं अपने तेरे पास भाई ऑप्शन है। भाई मैं सीरियसली कह रहा हूँ, यूट्यूब लाइफ में बड़ा शो होता है, ऐसे मत बोल। मैं कह रहा हूँ आधा घंटा भी अगर मैं ऊपर नीचे कर लूँ ना सुबह, पूरा दिन मेरा ऊपर नीचे हो जाता है सुबह से। तो हर्ष वैसे अपना वहाँ पे रह रहा है, तो तू क्या भाई बोलेगा कैसे मतलब रहने की? अच्छी है, बढ़िया है। आपके जो घर की लग्जरी होती थी कि आके कपड़े रख दिए, खाना मिल जाएगा, वो सब कट चुका है। बट बहुत ही एकदम सिस्टमैटिक हो गया सब कुछ, बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक। तेरे को मेन वो लग रहा है कि जो अपन सोचते थे कि भाई एक इंडिपेंडेंट लाइफ होती है खुद से निभाने, तो वो क्या लगा? मजा आ रहा है इस चीज में तो मुझे तो चाहिए। इमेजिन करते हैं वैसे तो को लग रहा है। हाँ हाँ बहुत ज्यादा, क्योंकि एक बार तो मैं बोलूंगा, नहीं एक बार ही नहीं, मैंने एक चीज देखी थी। जब तक आप अपने कम्फर्ट जोन से नहीं निकलोगे ना यार, बाहर के लोगों को देखा है ना तुमने, एक एज के बाद घर वाले छोड़ देते हैं। आज के टाइम पे मेरे को पता है कि इतने का सामान मेरे को मिल रहे हैं, मेरे सैलरी इतनी है, उसमें तो मेरे को सब कुछ करना है, डिवाइड करना है। तो मेरे को अपनी जिम की फीस भी निकालनी है, मेरे को अपनी डाइट को भी देखना है, जो थोड़ी मेरी चीजें हैं खुद के ऊपर वो भी देखना है। तो वो सारी चीजें डिवाइड करना वहीं जाके सीखोगे, अकेले रह के ही सीख पाओगे। ठीक है, काफी अच्छा है, खुद के लिए भी टाइम मिलता है अपना काम वाम करने के लिए। क्योंकि मैं बोलूंगा सबको एक बार तो ये करना भाई मस्ट है, मस्ट मैं कह रहा हूँ मस्ट। आपको नहीं मैं भी करूंगा पापा। नहीं भाई सही में वैसे करना चाहिए एक बार तो यार ये। और जब तक आप अकेले नहीं रहोगे और आपके साथ में जो बंदा रह रहा है उसके साथ आप रह रहे हो, आप देख रहे हो यार ये तो काम कर रहा है, तो आपको एक और वो लगता है। तो अच्छी बात भी है, अच्छी ही बात है इसमें, अगर बंदा साइड वाला सही हो। हाँ तेरा ठीक है, नहीं थोड़ी चीजों में ठीक है, थोड़ी में नहीं है। देखता है लोग, देखता है दास, देखता है तो भाई दास सॉरी भाई। और वर्कआउट रेटिंग क्या देगा भाई? पुश तो बेस्ट हमेशा 10, पर ये जो तेरे को नहीं ये चीज बहुत सेट वाला सीन ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा है बहुत। मुझे भी जब नया नया शुरू किया था ना, मुझे भी था कि पता नहीं कैसा होगा, अपने को आदत नहीं। मेरे को भी अभी लग रहा था कि मेरे को लग रहा था कि मैं क्या बोलते हैं, अब जब मेरा पीआर मैंने अपना उसके अंदर मैं ज्यादा मारता हूं, इंक्लाइन में ऑब्वियसली मैंने इसमें ज्यादा मारा है, पर मेरी 30 में फट गई। बट हां वही चीज है, फर्क पड़ा इसमें, मैं ट्राई करूंगा। करियो मजाक नहीं कर सकता इसमें, तो पीआर इजी मार सकता है। शॉर्ट वर्कआउट, वर्कआउट मेरा बहुत जल्दी हो गया भाई। अरे वो तो हमने थोड़ी इधर उधर जिम भी फटाफट गया। सही नहीं, मेरे को जिम चेंज करना पड़ेगा। मैंने एक जगह मेंबरशिप ली भी है, वो तुम्हें फ्यूचर लॉस में पता चल जाएगा। बट यार ये 12 बजे वाले सीन से भाई मैं परेशान हो गया हूँ। ये कितनी बार हुआ हम पोजिंग कर रहे हैं, प्रशांत को भी पता है कि फटाफट निकलना है भाई जिम से, ये वो है। तो यार होपफुली जल्दी हो। अब चलते हैं बढ़िया कुछ पोस्ट वर्कआउट मील खाते हैं एंड फिर मिलेंगे, देखेंगे कैसी भाई बोटी क्या। चलो घर पहुँचते हैं। वैसे सीबम भी कहता है उसकी
फेवरेट एक्सरसाइज है फॉर एब्स, स्ट्रेट आर्म हैंगिंग लेग प्रेस। मेरे को पता है मेरे आधे वर्कआउट के अंदर शिवम का वर्कआउट है, मतलब सेम। हाँ मतलब उससे बड़ा के वर्कआउट भी तो बहुत सारे हैं।